सुप्रीम कोर्ट बोला न्यूज क्लिक फाउंडर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध, कहा पुलिस ने आधार नहीं बताया, चीन से फंडिंग के आरोप में अरेस्ट हुए थे। एंटी टेरर लॉकेस में जेल में बंद न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ को रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया और रिहाई का आदेश दिया। प्रवीर और न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को चीन से फंडिंग के आरोप में पिछले साल 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अमित सरकारी गवाह बन गए थे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मेहता की बेंच ने कहा ये कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पुलिस ने गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया, रिमांड ऑर्डर भी अवैध है, एंटी टेरर लॉ के तहत पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध थी। बेंच ने पंकज बंसल केस का हवाला देते हुए कहा प्रवीर को गिरफ्तारी का आधार बताना चाहिए था, उन्हें कस्टडी से रिहा होने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में पंकज बंसल केस में आदेश दिया था आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित में बताना जरूरी है। प्रवीर पर आरोप क्या थे? दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक न्यूज क्लिक पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा पुरकायस्थ पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म के साथ साजिश रचने का आरोप है। न्यूज क्लिक का पूरा मामला सिलसिलेवार जानते हैं। 5 अगस्त 2023 न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी, इसमें बताया गया कि ब्रिटेन और अमेरिका में कुछ ग्रुप चीन के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने में जुटे हुए हैं। इन संगठनों की जांच की गई तो सामने आए कि अमेरिकन मिलेनियर नेविल रॉय सिंघम इसकी फंडिंग कर रहे हैं। टाइम्स के मुताबिक नेविल रॉय उन संस्थाओं के साथ जुड़े हैं जो दुनिया में चीन की उपलब्धियों का बखान करती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सिंघम के साथ मैसाचुसेट्स में एक थिंक टैंक, मैनहट्टन की संस्था, दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल, भारत और ब्राजील में न्यूज ऑर्गेनाइजेशन सहित कई ग्रुप जुड़े हैं। इनके पास अरबों डॉलर का साधन है। सिंघम शिकागो में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी थॉटवर्क्स चलाते हैं, इसमें एक भारतीय न्यूज वेबसाइट भी जुड़ी है। 69 साल के सिंघम शंघाई में बैठते हैं, वहां उनका नेटवर्क यूट्यूब पर एक शो चलाता है, इसके लिए शंघाई का प्रोपेगेंडा विभाग भी कुछ पैसा देता है। 7 अगस्त 2023 भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट का हवाला देकर न्यूज क्लिक को मिलने वाली चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है, वो भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।